हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज हम शूट कर रहे हैं अपना व्लॉग नंबर सेकंड, और अभी हम हैं नेशनल हाईवे 44 पे, और ये जगह है मेहाड़। जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है पेट्रोल पंप, ठीक है। और ये आगे आपका गैमन का प्लांट है यहाँ पे, जहाँ से सारा कंक्रीट वगैरह मिक्स होके जाता है, और बाकी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स नेशनल हाईवे 44 पे हैं वहाँ पे यहाँ से जाता है, ठीक है। तो अभी आपको मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ कि ये जगह कौन सी है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये है आपका मेहाड़ वाला एरिया। ये रोड आपका आया जम्मू वाली साइड से, ठीक है। और यहाँ से आप जब श्रीनगर के लिए जाते हो तो इस रूट से जाते हो, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा ये ग्लिम्प देख सकते हैं यहाँ के, ये यहाँ का जो है प्लांट है गैमन कंपनी का। यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से मिक्स होकर जाती हैं, और बाकी जो जगहें हैं वहाँ पे जाती है। ये देखिए इनका प्लांट। और अभी मैं यहाँ से थोड़ा आगे तक जाऊँगा और रामन वैली साइड जाऊँगा, ठीक है। तो आपको पूरा यहाँ से व्यू दिखाऊँगा कि रोड पे क्या हाल है, क्या अपडेट है रोड का, ठीक है। और मैं आपको वो जगह भी दिखाऊँगा जहाँ पे हमने व्लॉग नंबर फर्स्ट शूट किया था, ठीक है। वो रोड से आपको दिखाऊँगा, क्योंकि वो वहाँ से मैंने आपको रोड दिखाया था, अब यहाँ से मैं वो जगह भी दिखाऊँगा आपको कि कितनी डेंजरस जगह थी वहाँ पर, ठीक है। और कितना लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है, कितनी जगह जो है लैंडस्लाइड की वजह से नीचे ही आ गई है, वो सब आपको दिखाया जाएगा। तो गाइज़ ये आप देख सकते हो, ये अभी मेहाड़ से मैं आगे रामन की तरफ जा रहा हूँ। ये जो ऊपर वाला आपको लेन दिख रहा है, ये अभी हाईवे इस पर मतलब कि वर्किंग है, ठीक है। और जो नीचे वाला लेन है इस पर अभी काम लगा हुआ है, तो यहाँ से अभी गाड़ियाँ बंद रखी हैं, यहाँ से गाड़ी छोड़ी नहीं जाती है, ठीक है। लेकिन हम जो नीचे वाले लेन से ही जाएंगे अभी, लेकिन मेरे को आपको दिखाना है कि क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे। और इसमें आगे एक प्लांट भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। जैसा आप देख सकते हो, ये एम्बुलेंस यहाँ से टर्न ले रही है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला रास्ता बंद रखा हुआ है, तो ये ऊपर से मुड़ के जाएगी। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे से मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट व्यू जो है यहाँ का। तो फ्रेंड्स, अभी हम ये मेहाड़ वाली साइड से आए हैं, तो ये आप देख सकते हो जो नीचे वाला लेन है इस पर काम लगा हुआ है। अभी इस पर जो आपका ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा प्लेन कर दिया गया रोलर की वजह से। और आप देख सकते हो ये रामन वाली साइड है, ठीक है। ये ऊपर से जो उपला वाला लेन है वो फंक्शनल है, और नीचे वाला अभी नॉन फंक्शनल है। यहाँ पर ये देखो, आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये ब्रिज का काम लगा हुआ है ना, और ये काफ़ी हद तक मतलब कंप्लीट भी हो चुका है। बट इस रोड पे क्या है ना, ये आगे सामने आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है, जो यही कंस्ट्रक्शन के काम के लिए जो भी आपका राम ठेला उसको प्रोसेस करता है। तो वो इस रोड पर होने की वजह से यहाँ पर कोई गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ थोड़ा आगे तक जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे क्या हो रहा है। ये देखिए, ये जो ब्रिज है यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है। और आपको मैं दिखाता हूँ आगे वाली साइड, नीचे चिनाब दरिया भी है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ, रिवर चिनाब। ये यहाँ पे है, और जो यहाँ पे डंपिंग की जा रही है वो यहीं पे की जा रही है, पता नहीं ये एलो है भी या नहीं, लेकिन अभी यहीं पे की जा रही है। ये देखो, ये वाला एरिया जो भी है सारा डंप किया हुआ है इन्होंने। ये ब्रिज जो है ये नया बना है, और वो जो ऊपर वाला ब्रिज है वो पहले बन चुका था। हालांकि ये दोनों ब्रिज जो हैं नए ही बनाए हैं, जो पुराना वाला था उसको तोड़ दिया गया था। ये देखिए, ये एरिया है, और वो वाली साइड सामने रामबन है, और वो सामने लैंडस्लाइड वाला एरिया है। तो अभी हम फिर से आगे चलते हैं और आगे जाके दिखाते हैं आपको कि आगे क्या है। तो गाइस, हम अभी थोड़ा आगे आ चुके हैं, और ये आप देख सकते हो सामने ये प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे बाकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो भी चीज़ें आपको उनको ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि इस हाईवे पे NHAI को जो भी काम होगा वो चीज़ें कुछ यहाँ बन रही है, कुछ आपको मैंने दिखाया मेहाड़ में बन रही है, कुछ बाकी जगहों से आ रही है। तो ऐसे ये सारा काम चल रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, नीचे रिवर भी है, ठीक है, और सामने वही लैंडस्लाइड वाला एरिया। ये आपको मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ। ये सब कुछ यहाँ पे है। अब हम वापस थोड़ा आगे चलते हैं। एक्चुअल में क्या है कि मैं अपने मतलब ना हेलमेट पे मेरे माउंट नहीं लगा हुआ है, नहीं तो मैं आपको पूरा राइड करते हुए दिखाता कि जो भी यहाँ आगे रास्ता आता है ना, जो रोड जो है, मैं पूरा वो दिखाता। बट अभी माउंट लगा नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको देखना चाहते हो वैसा राइड वाला एक्सपीरियंस आपको चाहिए, तो मुझे वो भी बता देना, मैं वैसे कर लूँगा आगे से। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये वही प्लांट है, अपन थोड़ा पास आ चुके हैं। यहाँ पे सारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये सारी मिक्सिंग वगैरह होती है यहाँ ऊपर।
और यहाँ से फिर ये आपके जो लोडर्स वगैरह हैं वो लोड करके इसको ले जाते हैं। तो बस अब यहाँ से हम थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ जाके जो ये फोर लेन वाला काम है थोड़ा मतलब बंद हो चुका है, या आप कह सकते हैं कि ख़त्म हो चुका है, तो आगे जाके वापस टू लेन हो जाता है। तो आगे से आपको मैं दिखाता हूँ, आगे जो अपने टनल बन रहा है वो भी आगे ही है, वो भी दिखाता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये रोड एंड हो जाता है जहाँ से हम लोग आए, ठीक है। तो यहाँ से आगे जो देख सकते हो आप, ये दो लेन जो है यहाँ पे हैं, और जो बाकी के दो लेन हैं वो ऊपर साइड से तैयार हो रहे हैं, लेकिन उस पर अभी बिल्कुल बंद है, क्योंकि पूरा वहाँ पे आप देख सकते हो मतलब कि बड़े बड़े स्टोन पड़े हुए हैं और अभी रास्ता ख़राब है, वहाँ जा नहीं सकते हैं। तो हम इसी वाले रूट पे कंटिन्यू करेंगे, और आगे आप थोड़ा देख सकते हो वहाँ पे आपको एक ना टनल भी दिख रहा होगा, वो टनल भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा, बिकॉज उसमें अंदर जाना पड़ेगा और वो रोड पे नहीं है, वो थोड़ा ऊपर जाके है, तो वो भी दिखाएंगे हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। बिकॉज अभी हम जो ये फंक्शनल टू लेन है इस पर ही हम काम करते हैं ना, यही दिखाते हैं अभी जहाँ से ये ट्रक्स वगैरह आ रहे हैं। तो आगे चलते हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हो सामने आपको टनल दिख रहा है, ठीक है। ये जो बाकी दो लेन है वो ऊपर से जाएगा, और बाकी का जो दो लेन है वो कटना और टनल होगा, वो बाहर से जहाँ से ये गाड़ियाँ आ रही हैं इसके बीच से ही है, वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी हम ऊपर जा नहीं सकते बिकॉज उसका रास्ता ऊपर उससे है, लेन से है, तो वहाँ हम जाएंगे, वो आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं आगे, बिकॉज काफ़ी ट्रैफिक है, तो यहाँ पर रुकना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है, तो हम आगे चलते हैं अभी। तो ये देखिए गाइस, हमने जो टनल वाला एरिया था उसको थोड़ा क्रॉस कर दिया है, अब इस पहाड़ के अंदर से टनल जा रहा है, और जो बाकी का दो लेन है वो इसके बीच से जाएगा। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको अपने अगले ब्लॉग में पूरी देंगे, तो हम जो यहाँ पे वर्कर्स हैं, इंजीनियर हैं, उनसे बात भी करेंगे कि कब तक ये ठीक मतलब कम्प्लीट हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, क्या सब प्रोसेस है इसका, सब कुछ पता करेंगे, वो हम अगले ब्लॉग में करेंगे, बिकॉज अभी ये वाला ब्लॉग हम इस पर कंटिन्यू करते हैं जो अभी हाईवे फंक्शनिंग है इस पर ही, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक चीज़ और ये देखिए, जहाँ से पूरा लैंडस्लाइड होता है ये एरिया देखिए पूरा का पूरा नीचे आ चुका है, पहले ये ऐसा हुआ करता था, ये देखिए ये वाला एरिया थोड़ा बच चुका है, लेकिन ये वाला एरिया आप देखिए बिल्कुल नीचे आ चुका है, क्योंकि इस पहाड़ में ना ज़्यादा बड़े पत्थर थे ना बड़े बड़े पेड़ थे, तो जो मिट्टी को पकड़ नहीं सके, तो उसकी वजह से ये सारा का सारा नीचे आ गया, ये देखिए। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे काम लगा हुआ है, और यहाँ पे आरसीसी डाला जा रहा है इनके बीच में, जो भी यहाँ पे वॉल बनाई जा रही है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको अगले वीडियो में देंगे, जब हम इसके बारे में पता करेंगे कि ये क्या बन रहा है और क्या हो मतलब कितना टाइम लगेगा इसमें। वो आगे आप जगह देख सकते हैं ना, जो इस पोल के सामने ऊपर, वहाँ से हमने अपना फर्स्ट ब्लॉग बनाया था, उस टॉप से आप वहां से हमने आपको पूरा यहां का व्यू दिखाया था। तो अभी आप यहां से देखिए कहां पे है वो जगह, कितनी हाइट पे है, वहां से हमने ये ब्लॉग बनाया था। तो ये आगे रामबन आ गया, कैफेटेरिया मोड़ आता है और उसको क्रॉस करके रामबन आ जाता है, तो हम सीधा मिलते हैं कैफेटेरिया मोड़ पे। अगले ब्लॉग में अंदर जाना है। तो ये है आपका कैफेटेरिया मोड़ वाला जो एंड है इस टनल का, ये भी हम आपको दिखाएंगे, बट अगले ब्लॉग में दिखाएंगे अंदर जाके। अभी आप ट्रैफिक अपडेट देख लीजिए, यहाँ पे आज इतना ट्रैफिक नहीं है, और ये एक बंदा देखो क्या स्टंट मार के यहाँ पे आ रहा है, बहुत खतरा है, हेलमेट के बिना चल रहे हैं ये लड़के यहाँ के, ये दूसरा छपरी राइडर भी हेलमेट के बिना चल रहा है, खुद भी छपरे। ट्रैफिक आज कश्मीर से जम्मू की तरफ है, तो जो भी आप ट्रक देख सकते हो सब कश्मीर से जम्मू की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, रोड खाली खाली ही है। तो आगे चलते हैं, वहां पे जाके एक चौक बनेगी, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइज ये हम पहुंच चुके हैं कैफेटेरिया मोड़ पे, और यहाँ से आगे आप देख सकते हैं ये रामबन है, ये देखिए आप जो रामबन फ्लाईओवर बन रहा है वो नीचे आपको दिख रहा है, इसका भी काफी काम हो चुका है, इस पर भी हम एक व्लॉग बनाएंगे, बट अभी नहीं कुछ देर बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जाके कहीं पे एक चौक बनेगी बड़ी सी, ठीक है। नीचे से ये एक फ्लाईओवर है जो रामबन बाईपास जा रहा है, आगे देख रहे हो आप ये होगा, उसके ऊपर से ये जो ब्रिज है रामबन ब्रिज जो है चनाब के, है ना, अक्रॉस जो ब्रिज होगा वो ऊपर से बनेगा, यहाँ पे एक चौक बनेगा, सब क्रॉसिंग वगैरह यहीं से होगी। और ये आप देख सकते हो सामने मैत्रा वाला एरिया आपको दिख रहा है, जो हमने आपको फर्स्ट ब्लॉग में भी दिखाया था ऊपर से, ये मैत्रा वाला एरिया है, और ये अपना हाईवे आ गया नेशनल हाईवे 44। ये श्रीनगर से जम्मू की तरफ अगर आपको जाना हो तो ऐसा कुछ व्यू होगा।
आज अपडेट यही है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मूविंग ट्रैफिक है, कहीं पे कोई जैमिंग वगैरह की सिचुएशन तो है नहीं, तो ठीक है, बढ़िया है। तो यहीं पे हम अपने ब्लॉग को आज एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि टूरिस्ट काफ़ी आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो PB नंबर की गाड़ी है, JK03 की भी गाड़ी है, हरियाणा की गाड़ियाँ, काफ़ी गाड़ियाँ जा रही है, काफ़ी टूरिस्ट जा रहा है पीछे कश्मीर की तरफ। तो आप भी जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा मौसम है इस टाइम पे वहाँ जाने के लिए, तो आप ज़रूर जाएँ। थैंक यू।